हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाइक एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे बेटे देखा होगा, फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। तो हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की। मेरा जो यूट्यूब पेमेंट है वो पहला कितना आया, इसके बाद हम बात करेंगे बेटे कितना टाइम लग गया इस प्रोसेस को, कितना टाइम लग गया पेमेंट आने में। इसके बाद गूगल एडसेंस पिन के बारे में चर्चा करेंगे और कितना आया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटे वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम कितना लग गया। तो देखिए, हम बात करते हैं बेटे टाइम की। तो टाइम तो देखो, इसमें क्या होता है, पहले भी टारगेट होता है, कुछ यूट्यूब की शर्त होती है, कुछ यूट्यूब का टारगेट होता है। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बेटा रिव्यू में जाता है। इसके बाद जब मोनेटाइजेशन में रिव्यू के लिए आपका चैनल चला जाता है तो यूट्यूब चेक करता है कि आपका चैनल है वो बिल्कुल रियली सही है या नहीं है, कंटेंट जो उसका पे पड़ा है वो सही है या नहीं है। इसके बाद आपका चैनल हो जाता है मोनोटाइज। जब चैनल आपका मोनोटाइज होता हो जाता है तो बेटे आपके वीडियो पे ऐड आने लगता है और उसी से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपके लिए अब करना होगा, आपको करना होता है बेटे कि गूगल एडसेंस बनाना। गूगल एडसेंस के बाद आपको गूगल एड्रेस पिन जो होता है वो वेरिफिकेशन करना होता है। इसके लिए आपको गूगल एडसेंस पिन की जरूरत होती है। अब गूगल एडसेंस पिन को कैसे अप्लाई करते हैं वो आप वीडियो को देख लीजिए, फिलहाल उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बार गूगल एडसेंस जो पिन है उसके लिए अप्लाई करा, तो बेटे उसमें 30 दिन लग गए और मेरा एडसेंस पिन नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, मैंने दूसरी बार अप्लाई करा तो बेटे गूगल एडसेंस पिन जो था वो दोबारा में भी नहीं आया। कोई टेंशन नहीं थी, मैं निराश बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने तीसरी बार अप्लाई करी तो बेटे तीसरी बार भी गूगल एडसेंस पिन नहीं आया। नहीं आने का कारण क्या था, कारण ये था कि लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस के चलते हुए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इसलिए देरी हुई होगी, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें हुआ होगा, इसलिए मेरे पास तक मेरे एड्रेस पर पिन नहीं आया। इसके बाद मैंने क्या काम करा, मैंने चौथी बार भी अप्लाई करा। आप सिर्फ गूगल एडसेंस पिन को 4 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो जो मेरा एडसेंस पिन था वो 4 बार में भी नहीं आया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने एक फॉर्म अप्लाई करा ऑनलाइन और ऑनलाइन ही मैंने ईमेल से यूट्यूब के लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए यूट्यूब के लिए मैंने ईमेल कर दिया और मेरा जो एडसेंस पिन था वो ऑनलाइन ही, मेरे गूगल एडसेंस था वो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो गया। तो मुझे बेटे कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब बात करके कि पेमेंट की, तो बेटे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चला। इसके बाद जो पेमेंट है, पेमेंट आता है $100 कंप्लीट होने के बाद और हर महीने की 21 तारीख को यूट्यूब पेमेंट सेंड कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। अब आपको करना क्या होता है, देखिए जब आपका एडसेंस वेरिफिकेशन पिन हो जाता है, इसके बाद आपको जो एडसेंस पिन है, यूट्यूब एडसेंस जो पिन वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट एडसेंस से लिंक करना होता है। अब बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको बैंक की फुल डिटेल भरनी होती है और इसके बाद एक शिफ्ट कोड भी डालना होता है। तो बेटे मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैं कहीं किसी के पास बैंक में भी नहीं गया, किसी के पास भी नहीं गया, मैंने अपनी बैंक की फुल डिटेल वहाँ पे सबमिट कर दी। और इसके बाद शिफ्ट कोड की बात रही तो शिफ्ट कोड मैंने ऑनलाइन गूगल से ही सर्च कर लिया और अपनी सिटी का शिफ्ट कोड डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ भाई, $100 कंप्लीट हो गए। जैसे ही $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो बैंक में आपकी ट्रांसफर राशि कर दी जाती है। तो क्या हुआ भाई, जब मेरे $100 हो गए एडसेंस में, तो क्या हुआ कि भाई गूगल ने क्या काम करा, 21 तारीख को, कब, 21 मई बेटे 21 मई की बात कर रहा हूँ मैं, 21 मई को मेरे अकाउंट में गूगल एडसेंस ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, मेरे मोबाइल पे ईमेल आ गया। लेकिन जब मैंने बैंक में देखा तो बेटे बैंक में कोई भी राशि नहीं आई थी। 21 को नहीं बल्कि 21 को ट्रांसफर होता है बेटा, 22 को मैसेज आया था मेरे मोबाइल में कि भाई आपके बैंक अकाउंट में इतनी इतनी राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अब क्या होता है,
22 के बाद बेटे 23 को भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, 24 को भी नहीं पहुंचे। इसके बाद मैं शांति रहा क्योंकि घर पे ही बैठना था, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाने का नहीं, आराम से अपने घर रहिए। तो क्या हुआ भाई, 25 तारीख को आप देखते देखिए 25 मई को बैंक से मेरे पास मैसेज आया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि इतने इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए। तो अब सुनिए बेटे कितने अमाउंट मेरा आया, फर्स्ट पेमेंट मेरा कितना आया। देखिए क्लियर तो राशि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये YouTube गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ। जैसे देखिए आप अगर Flipkart, Amazon या कहीं अदर भी कहीं पे भी जाके सर्च मारोगे Vivo का Y71, Vivo Y71 फ़ोन, तो इतनी राशि, इतने पैसे पेमेंट हुए या इतना पैसा मुझे फर्स्ट पेमेंट में मिला कि Vivo Y71 आराम से खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद लगभग 1000 के आसपास, 1000 रुपये के आसपास आपके मेरे बच भी जाएंगे। इतना अमाउंट बेटे मेरा आया फर्स्ट पेमेंट। अब देखिए बात करते हैं क्या हुआ 26 के बाद 27 मई। अब 27 मई को बेटे क्या हुआ, 27 मई को मेरे घर पे एक एडसेंस पिन भी आ गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आया है 27 तारीख को, ये मुझे रिसीव हुआ 27 मई को, ठीक है। और देखिए 22 मई को सब कुछ मेरा हो चुका, 25 मई को मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए और 27 मई को ये मिला। लेकिन ये लेट हो गया, किस कारण से लेट हो गया आपको पता है, लॉकडाउन के कारण। लेकिन अब तो इसका यूज कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ फिर भी आपको इसको इसमें से होता क्या है। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें 6 डिजिट का कोड होता है, 6 डिजिट का कोड होता है, पिन कोड, वही आपको गूगल एडसेंस में डालना होता है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया और यही आपको नंबर डालना होता है, ये देखिए मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो बेटे ये पूरी जानकारी मुझे आपको देनी थी, मैं आज बहुत खुश हूँ बेटे, और ये सब हो पाया है तो आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से। जितने भी प्यारे मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।